अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने नाश्ता फटाफट कर लिया था क्योंकि आज हम जा रहे थे जू सफारी घूमने के लिए। तो जी नया जोड़ा जो कि शादी जिनकी हुई है वो भी, और हम सब लोग भी, मैंने कपड़े वगैरह फटाफट प्रेस कर लिए थे, कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे। हमारे साथ बहुत ही मज़े का एक जोक ही समझ ले हो गया था तो जी वो आगे चल के पता चलता है आपको कि आज हमारे साथ क्या प्रैंक हुआ। खुद ही हो गया, किसी ने नहीं किया। तो जी मैंने सोचा बाल थोड़े से स्ट्रेट कर लूँ, मेरे थोड़े नीचे से कर ली हैं तो मैंने कहा स्ट्रेट कर लेते हैं। तो जी स्ट्रेट वगैरह कर लिए थे और रेडी शेडी होने की फुल तैयारी हो गई थी, रेडी शेडी हो गए। यहाँ पर मैंने कोट वोट पहन कर जी बड़ी ही मैं तैयार हो गई थी बड़े मूड में। तो जी हुआ फिर ये कि आपको पता ही है कि अगर मैंने कहीं जाना हो, मतलब आसपास कहीं भी, तो मैं ये वाला बैग लेके जाती हूँ बोतल तो ज़रूर पानी की। किसी को भी प्यास लग सकती है, हमें नहीं तो मेरी खाला सास है उन्हें भी लग सकती है, मेरे हस्बैंड को लग सकती है, किसी को भी, तो ये चीज़ें ज़रूर रखा करें। फिर ये हुआ कि हम लोग गए ही नहीं, बारिश हो गई, आंधी चलने लग गई, उसके बाद इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया कि हम लोग नहीं गए। फिर क्या हुआ, फिर मैंने फटाफट कपड़े वगैरह चेंज किए, फिर रूटीन में आए, नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर खाना खाया क्योंकि मौसम लाहौर का 2-3 दिन हो गए बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। फिर खाना वगैरह खा के फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी, लास्ट में जो बनाई है ये मैक वाइटनिंग फेस वॉश की, इसको मैंने एडिट किया हुआ था, ऑलमोस्ट बस थोड़ी सी रह गई थी, वो फिर मैंने अपलोड की। अच्छा है ये, आप यूज़ कर सकते हैं फेस वॉश, वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पर जी काफ़ी ठंड हुई भी थी तो मैंने सोचा सेक भी लेते हैं हाथ, और साथ के साथ चाय भी बना लेते हैं। तो जी चाय बहुत बहुत यम्मी टेस्टी बनी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती, मैं बस सुबह में चाय और शाम में ले लेती हूँ, या कभी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं पी लेती हूँ, ठीक है। वरना चाय 2 टाइम तो ज़रूर मस्ट है ना, पसंद है चाय तो। किस किस को चाय पसंद है, जिस जिस को चाय पसंद है वे लोग को लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिया करें ताकि मेरा वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो जाए। हर वीडियो में मैं बात ये वाली आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर जी मैंने एक बहुत ही खुली ढुली सी चुटिया कर ली थी, इससे ये होता है कि बाल टूटते नहीं हैं सोते हुए। ज़रूर ये आप करके सोया करें, बालों को बिखेर के मत सोया करें, उससे आपके बाल डैमेज होते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने ना बेबी जॉनसिस का ऑयल था उससे मसाज किया, फिर वैसलीन थोड़ी सी लगाई और मेरी स्किन केयर रूटीन डन हो गई। कभी कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।